गाइस, वेलकम इन कोडिंग मैथ्स। तो आज के दिन पे हम सीखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज को कैसे हम ढूंढ सकते हैं स्क्रिप्टिंग की मदद से, जो हमें एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन से उसकी मदद से। तो अगर आपको पता नहीं है कि एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन क्या है, एनएससी क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन क्या है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैं आज तो आपको दिखाऊंगा कि वल्नरेबिलिटीज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कोई भी नेटवर्क की, कोई भी वेबसाइट की। तो वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको फाइंड करना ज़रूरी है। वो एक इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई कितनी वल्नरेबिलिटीज है। अगर वो पॉइंट में जीरो से शुरू होती है तो लो होती है, और हाईएस्ट 10 तक होती है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसका कमांड क्या, और वल्नरेबिलिटीज का कमांड कौन सी स्क्रिप्ट है, तो हमें कैसे देखनी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जो भी हमें स्क्रिप्ट देखनी है, इनमैप डिफॉल्ट ही ढेर सारी स्क्रिप्ट अपने पास मौजूद रखता है। तो ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिलेगी यूज़र्स के अंदर, शेयर के अंदर, एनमैप के अंदर। वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स लिख के आपको जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है आपको जो ढूंढनी है, उसके लिए पाइप लगा के ग्रेप, और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई दे ही दी है कि क्या क्या स्क्रिप्ट के लिए कौन से कमांड हो, कैसे इजी बना सकते हैं। तो आपने वो नहीं देखे, प्लीज़ आप एक बार वो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आके आपके वल्नरेबिलिटीज आप इजीली तरीके से ढूंढ पाएंगे। तो ग्रेप लिखने के बाद, ग्रेप क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जो फिल्टर लगाने के, हमारे पास तो स्क्रिप्ट तो ढेर सारी मिलेगी, तो हमें ग्रेप लगा के मैं यहाँ पे सिंपली वल्नर्स लिखूंगा। वल्नर्स जो हमारे वल्नरेबिलिटीज है उसकी जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है vulners.nsc। लगल आपको नहीं पता है तो आप वल्नर्स जैसे लिखेंगे और करेंगे एंटर, देखिए यहाँ पे आ गया vulners.nsc। तो nsc का मतलब है nmap scripting engine, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई वल्नरेबिलिटीज nmap के थ्रू अगर ढूंढनी है तो हमें vulners.nsc का प्रयास करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक कमांड डालेंगे छोटा सा sudo, जो मैं ये तो बेस पे कमांड चलता है, मतलब आपको sudo अपनी जो अथॉरिटी है उसको देनी पड़ेगी। sudo के बाद आप लिखिए nmap, nmap के बाद इसका जो हमें सर्विस वर्जन डिटेक्शन करना है वो sv के बाद आप, हम क्या करेंगे, हम जो पहले जो 100 पोर्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो पहले आते हैं 100 पोर्ट्स, मतलब आपको पता ही होगा कि अगर आपने ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी है, अगर अदर कोई भी जगह से आपको आपने nmap का ट्यूटोरियल किया है, तो आपको पता होगा कि nmap डिफॉल्ट 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है। लेकिन यहाँ पे जो आप फास्ट स्कैनिंग करेंगे तो आपको जो पहले 100 पोर्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए एक शॉर्टेस्ट वे यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन आप पूरा का पूरा एग्रेसिव स्कैनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्टेस्ट जो हमारा पोर्ट्स है उसको ढूंढूंगा। उसके लिए मैं और एक डालूंगा T4, मतलब इसको और फास्ट बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब सिंपली है जो आपने स्क्रिप्ट डालनी है, तो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के बाद आपकी स्क्रिप्ट कौन सी, अगर आप .nsc लगाए तो भी चलेगा, अगर आप नहीं लगाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह से nmap अज्यूम कर लेता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा वल्नर्स, जैसे लिख दिया, अब ये तो हमारी पूरी की पूरी एक सिंटैक्स हो गई है। पहले हमें जो बेस कमांड डालना था, फिर nmap, फिर वर्जन डिटेक्शन, फिर जो आपको पोर्ट्स डालने हैं। तो अगर मैंने तो यहाँ पे तो 100 पोर्ट्स फाइंड करने इसलिए, स्कैन करने इसलिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोर्ट्स पे करना है तो -p करके आप कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पोर्ट स्कैनिंग भी लगा रखी है nmap की, तो वहाँ जाके आप सिंपली देख सकते हैं। तो टाइम गवाए के बिना हम कर सकते हैं यहाँ पे टारगेट का नाम एंटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्कैन मी जो मेरे डिफॉल्ट वेबसाइट है जो nmap की, उसको ही मैं हर एक वीडियो में उसको ही लिया है मैंने, क्योंकि ये बेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्कैन मी .nmap.org इतना करके जैसे आप यहाँ पे एंटर डालेंगे, यहाँ पे आपका रूट पासवर्ड मांगेगा, रूट पासवर्ड डाल दीजिए, और यहाँ पे हो गया आपका स्टार्टिंग स्कैन। इसमें थोड़ी देर भी लग सकती है, और ये तो आपके नेटवर्क पे और आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ही ये हो जाएगा आपके पास पूरी की पूरी अपनी जो
यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल डाला है, अगर आप कोई भी वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हो आप कोई भी लगा सकते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी वल्नरेबिलिटीज के साथ। तो लीजिए गाइस, मेरा स्कैन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी वल्नरेबिलिटीज मेरी 0 पॉइंट से 10 पॉइंट तक, जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट जहाँ भी स्कैन हो चुके हैं वहाँ तक मेरे मैक्सिमम पॉइंट है 7.5। तो हर एक वल्नरेबिलिटीज को आपकी उसकी बेसिक वेबसाइट पे जाके आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है कि भाई जो पूरे पहले 100 पोर्ट से यहाँ पे 94 क्लोज मिले और मेरा 6 पोर्ट से वो ओपन मिले हैं, तो उसमें से 21 नंबर, 22, 25, 80 ये सारे के सारे पोर्ट से उसने उलनर्स की मदद से क्या उसको सीपी अपाची एचटीटीपी सर्वर है 2.4.7 ये स्कैन कर लिया और उसकी पूरी की पूरी वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सप्लॉइट पैक यहाँ पे आपको दे दिया। इसकी जो रेटिंग है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वल्नरेबिलिटीज़ कैसे क्या काम करती है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि हम वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं एनमैप के थ्रू। तो गाइस, अगर आपको ये पता नहीं है कि स्क्रिप्टिंग इंजन क्या है, तो प्लीज़ आप पहले तो स्क्रिप्टिंग इंजन सीख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसको सीखने के लिए, ठीक है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करना भी मत भूलना, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब भी दे दीजिए, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।